नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड द चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग विजिट इंडिया। इसमें से किस राजा के समय में चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग भारत आया था? तो ऑप्शन हैं आपके हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोका। तो सही उत्तर है हर्षवर्धन। इसके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। द वेन सॉन्ग वॉज द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। वेन सॉन्ग जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, वो आपका इंडिया हर्षवर्धन के समय में आया था। और विच एन एम ऑफ सिक्योरिंग द ऑथेंटिक बुद्धिज्म स्क्रिप्ट, जो बुद्धिस्ट को समझने के लिए आया था। और द कन्नौज असेंबली 643 AD वॉज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ वेन सॉन्ग। और कन्नौज असेंबली का आयोजन केवल वेन सॉन्ग के ऑनर में ही किया गया था। ही स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट द 15 ईयर, वह 15 साल तक लगभग भारत में रहा था। एंड रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन हिज बुक सी यू की। और उसने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपका सी यू की नामक बुक में साझा किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द हैंड ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाई द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। आपसे पूछा गया है कि कौन से ईयर में जो आपका भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से उठा करके उसको ब्रिटिश मोनार्क जो कि क्वीन विक्टोरिया के अंडर में था उसको उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1887 में, 1842 में, 1864 में या फिर 1858 में। तो सही उत्तर है 1858। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड टू क्वीन विक्टोरिया इन अगस्त 1858। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको क्वीन विक्टोरिया को ट्रांसफ़र किया गया था अगस्त 1858 में। और ऐसा क्यों किया गया था? इट वॉज ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 में, जिसके बाद ये ट्रांसफ़र करने की बात कही गई। द कंट्रोल वॉज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857, जो कि 1857 का क्रांति हुई थी, तो उसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हुआ था। एंड डिफेक्ट इन द रूलिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग के डिफेक्ट की वजह से ऐसा करना पड़ा था। हु अमंग द फॉलोइंग डिज़ाइन द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें से किसने गेटवे ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था? एडवर्ड लुटियन या फिर जेम्स मिलर या फिर जॉर्ज विटेट या फिर अलेक्जेंडर थॉमसन। तो सही उत्तर है आपका जॉर्ज विटेट। इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था मुंबई सिटी में, महाराष्ट्र में जो कि है। इट वॉज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट। ये आपका ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज लेट डाउन बाय द देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे मुंबई ऑन द मार्च 31, 1913। तो ये आपका उस समय के जो आपका गवर्नर बॉम्बे जो कि अब मुंबई कहा जाता है, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था 31 मार्च 1913 को। इसके बाद दिस गेटवे वॉज बिल्ट टू कमोरेट द अराइवल ऑफ जॉर्ज वी, और ये आपका जॉर्ज वी के आगमन के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट विजिट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क टू द इंडिया। ये किसी भी ब्रिटिश मोनार्क का इंडिया में पहला विजिट था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीवाने इंसा वॉज रिलेटेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दीवाने इंसा किससे रिलेटेड है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ एरियस से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस से। तो सही उत्तर है डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार के डिपार्टमेंट से इसका लेना देना है। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द दीवाने इंसा वॉज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज दाबिर ए मुमालिक होता था। तो इसका मतलब कि ये सल्तनत पीरियड में डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड था दीवाने इंसा, और इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD होता था उसका नाम था दाबिर ए मुमालिक। ऑल द फॉर्मल एंड कॉन्फिडेंशियल करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सुल्तान एंड द रूलर्स ऑफ अदर स्टेट्स और द सबॉर्डिनेट चीफ्स, गवर्नर्स एंड द ऑफिशियल्स वॉज कैरीड ऑन बाई हिज डिपार्टमेंट। और जितने भी तरह के फॉर्मल या फिर कॉन्फिडेंशियल पत्राचार या फिर करस्पॉन्डेंस होते थे सुल्तान और किसी अन्य राजा के बीच में, या फिर सबॉर्डिनेट चीफ के बीच में, गवर्नर्स के बीच में या फिर किसी भी ऑफिशियल अधिकारी के बीच में, तो इसका आदान प्रदान डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस ही करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द प्लड फील्ड हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशंस। इसमें से हरप्पन सिविलाइजेशंस में किस जगह पे प्लग्ड फील्ड के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि उस समय प्लग्ड फील्ड होते थे? तो मोहनजोदारो में या फिर चन्हुदारो में या फिर कालीबंगा में या फिर हड़प्पा में।
तो सही उत्तर है आपका कालीबंगा। इसके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। द प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाउंड एट द कालीबंगा साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में कालीबंगा नामक पोजीशन पे यहाँ पे प्लग्ड फील्ड कुछ मिले थे। द वुडेन फ्यूरोस हैज़ बीन फाउंड, सेवन फायर अल्टार्स इन अ रो हैव बीन फाउंड एंड दे सजेस्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ सेक्रीफाइस एंड द बोन्स ऑफ द कैमल हैव बीन फाउंड एट द कालीबंगा। तो कालीबंगा में कुछ इस तरह के आपके वुडेन और फायर फायर अल्ट्राज मिले, जिससे कि हम ये पता कर सकते थे कि उसमें लोग प्लग्ड फील्ड जैसी कोई फिनोमिना था, या फिर कह सकते हैं कि उस समय कोई ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पे खेती बाड़ी का काम किया जाता था। और इसके अलावा ब्रिक यूज्ड वर द अर्थन, और इसमें से कुछ ऐसे भी अवशेष मिले जिसमें कि हमें लकड़ी, जिसे हमें मिट्टी के कुछ ब्रिक्स देखे गए, और उससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा प्लांट तो नहीं, लेकिन उनके पास ड्रेनेज सिस्टम उपलब्ध था। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। आपका कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे वीडियोस को अगर लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।